Hello guys, I'm back here with some new informations about Assassin's Creed Valhalla. Release date, I will be showing expected release date, gameplay demo, and we will also discuss the game performance test in Xbox Series X, which has been 30 FPS. So watch this whole video for the entire information, and again I am going to mix this video in Hindi as informations in English are already available in many channels. So I'm going to do this in Hindi too. So without wasting time, let's dig in. मैंने जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली कलेक्ट किए हुए हैं तो उसके हिसाब से मुझे जितना लग रहा है कि हमारा फेवरेट असासिन, सबसे पहला असासिन जिसे हम जानते हैं अल्टायर, वो मे भी इस गेम में वापसी कर सकता है. ऑब्वियसली नॉट एज ए मेन कैरेक्टर, बट मे भी कोई एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के जगह पे वो आ सकता है. कुछ घंटों पहले एक्चुअली डॉर्बी मैक्विट, जो कि असैसिन्स क्रीड वल्हला के राइटर हैं, उन्होंने एक सीक्रेट मैसेज, कोड मैसेज जिसे हम बोल सकते हैं, वो ट्वीट किया था. और जब मैंने उस मैसेज को अनकोड किया या फिर करने की कोशिश की, तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिले वो काफ़ी एक्साइटमेंट था. जब एक यूज़र डस्टिन करके, ट्विटर यूज़र, जिन्होंने सवाल डाला था कि आइवर जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है इस गेम में, तो क्या वो असासिन होगा इस गेम से स्टार्टिंग से या फिर इस गेम में बाद में बनेगा, तो जिसके जवाब पे डॉर्बी ने रिप्लाई किया था नो. देन सेकंड क्वेश्चन था कि क्या वो असासिन से या फिर वो हिडन वन से, जिसके जवाब में डॉर्बी ने कहा था कि एक कोड मैसेज किया था उन्होंने, जिस कोड को मैं अभी अनलॉक करने की कोशिश करूँगा. तो सीक्रेट कोड ब्रेक होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कोड, पूरा अल्टायर और उसकी बीवी मारिया टर्फी के ऊपर है, जो एंसेंट ऑर्डर टेम्पलर में इंग्लैंड के ऊपर बस बेस किया था. सो ये सीक्रेट कोड 3 डिफरेंट पार्ट में ब्रेक किया जाएगा, और सारे 3 डिफरेंट पार्ट ही 3 डिफरेंट टाइमलाइंस शो कर रहे हैं. बिगिनिंग विथ फर्स्ट वन, जो कि XD1189 है, जो कि हमें फर्स्ट मेमोरी सीक्वेंस में मिलेगा अल्टायर के. और जिस मेमोरी सीक्वेंस में हमें ये दिख रहा है कि अल्टायर जो है वो 1189 में इंग्लैंड को जीत दिलाता है, और वहाँ पे वो असासिन्स को भी हेल्प करता है, और वो असासिन्स का उस टाइम पे असासिन्स मास्टर भी बनता है वो. तो वो में भी हो सकता है 1189 का. और सेकंड जो है 1228 का, तो वहाँ पे अल्टायर का और एक सीक्वेंस है, जिसमें कि वो इंग्लैंड में हेल्प करता है अपने इंग्लैंड के उस टाइम के किंग को, और 1228 में उसकी वाइफ मरिया की डेथ होती है, और 1228 में वो एप्पल जो ईडन, एप्पल ऑफ ईडन जो है उसे रिट्रीव करता है, और जिसके ज़रिए में, जिसके बाद में उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली. बट वही एप्पल ऑफ ईडन फिर बाद में मिलता है एजियो को, और एजियो उसके थ्रू में देखता है अल्टायर की स्टोरी में. तो अल्टायर की स्टोरी में जो वो देखता है कि अल्टायर ये बताता है कि हम वो एक्चुअली जो एप्पल ऑफ ईडन में देखा था, तो वो ये था कि उनसे पहले जो असासिन्स थे वो लोग कैसे आए थे, कब आए थे और किसके लिए आए थे, उसके डिटेल के ऊपर था. और जब उसकी वाइफ उसे ही पूछ रही होती है, तो वो ये बताता है कि वो सब बहुत अजीब था, कि वो किस टाइप पे आए थे और यहाँ पे कैसे बसे, वो डिटेल था, उनका राइज, उनका फॉल, वो सब दिखा रहा था. तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि हमारे असासिन्स क्रीड वालहाला में ये जो रेफ़र कर रहे हैं, जो पहले आए थे, तो मे बी वो हो सकता है कि ये वालहाला में शो कर रहा है, जो अल्टायर की मेमोरी सिक्वेंस में होगा वो वालहाला में मे बी शो कर सकता है कि वो लोग कैसे आए थे, फिर कैसे रेड किए थे, फिर कैसे यहाँ पे उनका राइज, और हमारा जो प्रोटागोनिस्ट होगा वो मे भी ये प्ले कर सकता है. तो दूसरा चीज़ जो मैं इसके ब्रेक करना चाहूँगा कोड का, तो वो है GFM जो है वो एक रॉक बैंड है, जो शायद ही इस गेम में म्यूज़िक दे सकता है. और DF माइट बी ड्रॉप फ्रेम्स, जो कि 1228 एपिसोड में आया था, एलेक्स होनल्ड स्पेशल गेस्ट बन के आ सकते हैं, जो 1189 एपिसोड में आ चुके हैं पहले. सो दैट वॉज इट ऑन द कोड. मैंने सिर्फ बस स्पेकुलेशंस किया है, मुझे ठीक से पता भी नहीं है, कि मैं जस्ट ब्रेक करने की कोशिश किया और मुझे जो इन्फॉर्मेशन लगा मैं उन्हें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सो नेक्स्ट कमिंग टू
हाउ मूविंग ऑन रिलीज डेट। सो रिसेंटली PS5 ने अपना रिलीज डेट फिक्स किया है अक्टूबर 2020 को, तो मे बी ये गेम उसी के आसपास रिलीज होगा, उससे कुछ दिन पहले ही आप, उसके बाद तो रिलीज़ होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके ऑफ़र के बारे में जानते हैं कि अगर आप PS4 का गेम खरीदते हो तो उसके साथ ही में आपको PS5 का गेम भी फ्री मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये PS5 के रिलीज़ होने से पहले ही रिलीज़ होगा। तो गेस करते हैं इसको अक्टूबर 2020 से पहले रिलीज़ होगा। ओके सो नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो ये जनरेशन एक्स के साथ जब खेला गया था तो 30 FPS में था, तो काफ़ी निराश होने का नहीं है, क्योंकि 30 FPS जो है वो 4K क्लैरिटी में आएगा, 1080p में नहीं। तो 4K क्लैरिटी में जब 30 FPS भी आएगा तो वो भी काफ़ी ठीक ठाक ही रहेगा। और जानने वाली बात यह कि जो 30 FPS है ये अभी का, एक्चुअली अभी का इतना आ रहा है, तो मे भी हो सकता है जब रिलीज़ हो जाए गेम उससे बेहतर रहे। तो लेट्स जस्ट एक्सपेक्ट कि गेम हमारे हिसाब से अच्छा रहे, ग्राफिक्स भी सही रहे, ट्रेलर काफ़ी शानदार था, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो काफ़ी एक्साइटेड है। तो आई एम जस्ट वेटिंग टू फॉर दिस गेम प्ले। सो दैट्स इट फॉर नाउ। ओके गाइस, गुड नाइट, हैव फन। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत टाइम लग रहा है वीडियो बनाने में, बहुत सी तकलीफ हो रही है, सो आई विल रियली अप्रिशिएट इट। लव यू गाइज, हैव ग्रेट टाइम।